गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस. वी विल रीड मॉरल साइंस फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर 12 ऑल न्यू हेयर एंड टॉर्टोइस स्टोरी. ओके, सो लेट्स गेट सेट. वॉज दिस स्टोरी? हियर इज कन्वर्सेशंस बिटवीन टू फ्रेंड्स. ओके, एंड वॉट इज अ कन्वर्सेशन वी विल सी. हे आशीष, यू नो आवर स्पोर्ट्स डे इज अराइविंग. आशीष, तुम्हें पता है कि अब जो है हमारा स्पोर्ट्स डे आने वाला है. ठीक है. यस रे, आई नो दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड इन लेमन एंड स्पून रेस. तो सेकंड फ्रेंड ने उसके बोला कि हाँ श्रे, मुझे पता है और मुझे जो है लेमन और स्पून रेस के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है. ठीक है, किया जा चुका हूँ. लेमन एंड स्पून रेस, ओ गॉड, इट इज़ गुड, ऑल द बेस्ट. लेमन और स्पून रेस में, ओ गॉड, ये ओके, अच्छा है, ऑल द बेस्ट. तो फिर इसने बोला, आशीष ने बोला, वाई आर यू सेइंग ओ गॉड, आर यू नॉट हैप्पी? तुमने क्यों ओ गॉड बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरे सिलेक्शन से? तो उसने बोला, आई एम हैप्पी फॉर योर सिलेक्शन, मैं तुम्हारे सिलेक्शन से खुश हूँ, बट आई थिंक यू हैव फॉरगेट दैट अर्जुन इज़ द चैम्पियन ऑफ दिस रेस. तुम्हें पता, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि अर्जुन जो है वो चैम्पियन है इस रेस का. इफ़ ही इज़ पार्टिसिपेटिंग, अगर वो पार्टिसिपेटिंग कर रहा है तो विल यू बी एबल टू विन द रेस, क्या तुम एबल होगे ये रेस जीतने के लिए? डियर, आई रिमेंबर वेरी वेल अबाउट अर्जुन, मुझे अच्छी तरीके से अर्जुन के बारे में याद है. ही इज़ वेरी गुड इन लेमन एंड स्पून रेस, वो बहुत अच्छा है लेमन और स्पून रेस में. बट दिस टाइम आई हैव आल्सो प्रैक्टिस अ लॉट, लेकिन मैंने भी कड़ी मेहनत की है, प्रैक्टिस किया है. प्रैक्टिस इज़ ओके बट ही डजंट लाइक यू एट ऑल, प्रैक्टिस तो ठीक है लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता है. माई फ्रेंड, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ एनी लाइक और डिसलाइक, मेरे दोस्त ये क्वेश्चन नहीं है लाइक और डिसलाइक का. इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सिंपली डूइंग योर बेस्ट इन द रेस अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटीज़. तो उसने कहा कि ये क्वेश्चन नहीं है कि लाइक और डिसलाइक कोई करता है, लेकिन ये है कि कौन बेस्ट है अपनी कैपेसिटी में, यहाँ ये मैटर करता है. तो इसने कहा कि ओके, सो यू आर राइट, या यू कैन, यू आर राइट, बट तुम सही हो, तुम ऐसा बोल रहे हो बट. तो उसने फिर से अगेन बोला कि नो बट माई डियर, कोई बट नहीं, लेकिन नहीं. ऑलवेज रिमेंबर दैट वी कम्पीट फॉर द सिचुएशन एंड नॉट अगेंस्ट ईच अदर, हम सिचुएशन के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं, है ना. गेम खेल रहे हैं तो हम एक दूसरे से, मेरा झगड़ा थोड़ी है, हम तो गेम खेल रहे हैं और गेम में कौन जीतता है हमें वो देखना चाहिए. यस यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. आई एम सॉरी टू फॉर कीपिंग अ रॉन्ग थॉट इन माइंड, सही कह रहे हो, मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ ऐसे रॉन्ग थॉट जो मेरे मन में आए. आशीष, यू आर द ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन, तुम सच में एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन हो. ओके, एंड लेट्स रीड द स्टोरी. इफ ही हैड नॉट टेकन थिंग्स सो फॉर ग्रांटेड, देयर वॉज नो वे द टॉर्टोइस कुड हैव बीटन हिम. देखिए, अगर आप किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं, अगर हल्के में लेते हैं तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं होता है ना. ठीक है, टॉर्टोइस ने बीट किया, कुड बीटन हिम, टॉर्टोइस जो इसको पीट सकता था, मार सकता था, सो ही चैल या हरा सकता था हम कह सकते हैं. सो ही चैलेंज द टॉर्टोइस टू अनदर रेस, इसके बाद टॉर्टोइस ने दूसरे चैलेंज किया दूसरे रेस के लिए. द टॉर्टोइस एग्रीड, सो ही चैलेंज, यानी जो हेयर था यानी रैबिट जो था उसने उसको चैलेंज किया दूसरे रेस के लिए, तो वो एग्री हो गया. दिस टाइम द हेयर वेंट ऑल आउट एंड रैन विदाउट स्टॉपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और हेयर जो है वो बिना रुके दौड़ता रहा. ठीक है, लगातार वो दौड़ता रहा और स्टार्ट टू फिनिश पे पहुंच गया. ही वॉन द सेवरल माइल्स, और वो कई मीलों से आगे था, यानी वो जीत गया. बाई विनिंग द रेस हेयर प्रूव दैट बाई बींग फास्ट एंड कंसिस्टेंस टेन वी कैन ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, और जब रेस जीतने के बाद उसने ये प्रूव कर दिया कि जो फास्ट होता है और लगातार जो चलता है वो जो है हमेशा जीतता ही है. ठीक है, और स्लो एंड स्टडी जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज बीट, हम उनको हरा सकते हैं जो धीरे और
तेज होते हैं, मतलब जो धीरे धीरे आराम से चलते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम द टॉर्टोइस डिड सम थिंकिंग एंड रियलाइज दैट देयर इज नो वे ही कैन बीट द हेयर इन अ रेस, द ओनली वे इज टू चेंज द फॉर्मेट टू द गेम। लेकिन फिर सेम टाइम टॉर्टोइस जो है उसने सोचा, रियलाइज किया कि अब कोई रास्ता नहीं है कि ही कैन बीट द हेयर इन अ रेस, कि अब हम उसको हरा सकते हैं। द ओनली वे, बस हम ये कर सकते हैं कि हम अपना वे जो है, फॉर्मेट जो है गेम का, वो चेंज कर दें, रास्ता ही चेंज कर दें, तब हम शायद उसको हरा सकते हैं। अब इसके टॉर्टोइस के मन में ये बातें आ रही हैं। ही थॉट फॉर अ व्हाइल, उसने थोड़ी देर सोचा, एंड देन चैलेंज द हेयर टू अनदर रेस, और उसके बाद चैलेंज किया हेयर को दूसरे रेस के लिए, बट ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट रूट। लेकिन क्या कहा उसने, दो रूट चेंज कर देंगे हम लोग। द हेयर एग्रीड, और हेयर क्या होता है, वो एग्रीड हो जाता है, यानी बातों को वो सुन लेता है, ठीक है, एग्री करता है, सहमति व्यक्त करता है। दे स्टार्टेड ऑफ द रेस, और स्टार्ट होता है रेस, इन कीपिंग विद द हिज सेल्फ मेड कमिटमेंट टू द टू बी कंसिस्टेंटली फास्ट, द हेयर टुक ऑफ एंड रन एट द स्पीड अंटिल ही केम ब्रॉड रिवर। उसके बाद जो है, इन लोगों ने जो सेल्फ कमिटमेंट दिया था और कंसिस्टेंसी का दिया था कि लगातार हम चलेंगे, तो वो लगातार दौड़ रहे थे, हेयर भी अपना दौड़ रहा था, और वो ब्रॉड रिवर के पास पहुंच गया, बड़े से नदी के पास जब वो पहुंच गया, द फिनिशिंग लाइन वॉज अ कपल ऑफ किलोमीटर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। और इनकी जो फिनिशिंग लाइन थी वो क्या थी, रिवर के उस साइड, है ना, मतलब रिवर को पार करना, नदी को पार करना था, यही इनका क्या था, फिनिशिंग लाइन था। द हेयर सेट देयर वॉन्डरिंग वॉट टू डू, अब वहाँ बैठ गया, अब सोच रहा है कि उधर उधर देख रहा है कि क्या करता वो। इन द मीन टाइम द टॉर्टोइस ट्रंडल्ड अलोंग, गॉट इन टू द रिवर, स्वैम टू द अपोजिट साइड। और टॉर्टल क्या किया उसी समय, अपना रिवर में, भाई वो तो पानी में चल सकता है, तो वो अपना तैर करके उस पार चला गया अपोजिट साइड। कंटिन्यू वॉकिंग एंड फिनिशिंग द रेस, और उसके बाद कंटिन्यू वॉक करके फिनिश कर दिया रेस को। द टॉर्टोइस आइडेंटिफाई हिज कैपेबिलिटीज एंड चेंज द ट्रैक अकॉर्डिंग टू हिज कंपेटेंसी, ओके। और उसने क्या किया, अपने कैपेबिलिटी को दिखाया, और जो है चेंज करके, जब उसने सिचुएशन को चेंज किया, रोड को चेंज किया, तो वो उसमें क्या हुआ, विनर हो गया। द हेयर एंड द टॉर्टोइस बाय दिस टाइम हैड बिकम प्रीटी गुड फ्रेंड्स एंड दे डिड सम थिंकिंग टुगेदर, और उसके बाद जो है वो दोनों जो है बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, ठीक है, और उन्होंने जो है सोचना साथ में शुरू कर दिया, ठीक है। बोथ रियलाइज दैट द लास्ट रेस कुड हैव बीन रन मच बेटर, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया जो लास्ट रेस उनका था वो और बेटर हो सकता था। सो दे डिसाइडेड टू डू द लास्ट रेस अगेन, उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से लास्ट रेस को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, बट टू रन टुगेदर दिस टाइम, लेकिन हम साथ में दौड़ेंगे। द हेयर कैरीड द टॉर्टोइस टिल द रिवर बैंक, अब हेयर जो है वो कैरी कर लेता है, देखिए यहाँ पे सी द लुक द पिक्चर, और वो उस पर कैरी कर लेता है, पीछे बिठा लेता है और रिवर को उसको पार करवा देता है। देन देयर द टॉर्टोइस टुक ओवर एंड स्वैम अक्रॉस द विद द हेयर ऑन हिज बैक, और उसको जो है साथ में पीठ पे बिठा के और उसको रिवर पार करवा देता है। ऑन द अपोजिट बैंक द हेयर अगेन कैरीड द टॉर्टोइस एंड दे रीच्ड द फिनिशिंग लाइन टुगेदर। उसके बाद जो अपोजिट बैंक जब आता है, किनारा आता है, तो हेयर अगेन कैरीड द टॉर्टोइस, मतलब फिर से वो बैठ जाता है टॉर्टोइस के ऊपर, एंड दे रीच द फिनिशिंग लाइन टुगेदर, साथ में फिनिशिंग लाइन को पूरा करते हैं। दे बोथ फेल्ट अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे हैव फेल्ट कार्टर, और अपने आप को वो बैलगाड़ी की तरह, भाई वो बैठा के उसको चल रहा है, और दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा कैसा संतुष्टि फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संतोषजनक अपने आप को फील कर रहे हैं, यानी कि दोनों का काम हो गया और दोनों अपने आप को ये सोच रहे हैं कि चलो हम दोनों ने बहुत ही दिमाग से काम किया, सिचुएशन को देखा ना, कि आपस में लड़ाई किया उन्होंने। मॉरल, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन वी स्टॉप कंपीटिंग अगेंस्ट अ राइवल एंड इंस्टेड स्टार्ट कंपीटिंग अगेंस्ट द सिचुएशन, देन वी विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। अगर हम कंपीट करते हैं एक राइवल की तरह किसी के साथ, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए, है ना, हमें कंपटीशन किसी से कर रहे हैं तो हमें सिचुएशन के आगे कंपटीशन करना चाहिए, तभी आप परफॉर्म बेटर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। विशफुल थॉट क्या है, अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर करेंट सिचुएशन, देखो जो सक्सेस नहीं होते अपनी लाइफ में,
वो लोग क्या करते हैं, वो करंट सिचुएशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, आगे की चीज़ों को कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, उसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं, है ना। सो हियर चैप्टर कंप्लीटेड, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, बाय बाय।